दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं और इससे संबंधित परिभाषाओं की। मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर शुरू किया है। नेक्स्ट कुछ क्लासेज इसी टॉपिक की रहेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। बात कर लेते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं, यानी कि मैग्नेट किसे कहा जाता है। तो इससे पहले एक स्टोरी आती है कि चुंबक कैसे मिली या चुंबक की खोज कैसे हुई। तो एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक कथई रंग का पत्थर का टुकड़ा मिला था, जिसमें यह गुण था कि वह लोहे के छोटे छोटे कणों को अपने ओर आकर्षित कर लेता था, यानी कि अट्रैक्ट करता था लोहे के कणों को। तो उस टाइम उसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। परंतु कुछ समय पश्चात इसे सरलतम शब्दों में मैग्नेट कहा। पहले मैग्नेटाइट कहा Fe3O4, उसके बाद सरल रूप में इसे मैग्नेट या फिर चुंबक कहने लगी। इसमें उपस्थित लोह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण था, जिसे मैग्नेटिज्म कहा गया। फिर कुछ वर्षों बाद इसमें एक गुण और देखा गया कि जब इसे लटकाते हैं ऊपर, यानी कि धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो ये एक सदैव विशेष दिशा का ज्ञात करवाता है। वह दिशा होती है नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा का ही वह ज्ञान कराता है। इसी दिशा में वह आकर रुकता है। तो इसका उपयोग नाविक करने लगे दिशा ज्ञात करने के लिए, और उन्होंने इसका नाम दे दिया लोडस्टोन, यानी कि दिशा बताने वाला पत्थर। लोडस्टोन नाम दे दिया, यानी कि दिशा बताने वाला पत्थर नाम दिया गया चुंबक को। अब बात कर लेते हैं कि मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है। ये थी कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई और उसके नाम क्या क्या चेंज किए गए उसके बारे में। अब उसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो मैग्नेट किसे कहते हैं, पहली डेफिनेशन यही आती है, लोह पदार्थों को आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है, कि लोह पदार्थों को जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या लोहे के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, वह मैग्नेट होता है। सेकंड आती है मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो चुंबक हमने देख लिया कि वह पदार्थ जो लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है, यानी कि मैग्नेट कहलाता है। और मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, यानी कि चुंबकत्व किसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, चुंबक में लोह पदार्थों को अट्रैक्ट करने का गुण पाया जाता है, इस गुण को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो वह पदार्थ जो लोह पदार्थों को आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है मैग्नेट कहलाता है। और मैग्नेट के अंदर जो गुण है, क्वालिटी है लोह पदार्थों को अट्रैक्ट करने की, वह मैग्नेटिज्म होता है। अब मैग्नेटाइट का आपको फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि पहली बार जब इसे खोजा गया था तब इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया था, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है Fe3O4, इसका ये फॉर्मूला होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। अब पोल किसे कहते हैं, यानी कि ध्रुव किसे कहा जाता है। चुंबक, जब आप चुंबक का यानी कि मैग्नेट का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आपको वर्ड सुनने को मिलता है कि चुंबक, पोल या फिर ध्रुव। तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता
अधिकतम होती है वह बिंदु चुंबकीय द्रव कहलाता है। तो मैग्नेट होता है, तो ये मैग्नेट होता है, इसमें जिन बिंदुओं पर यानी कि जिन पॉइंट पर बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जिसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की स्ट्रेंथ तीव्रता अधिक होती है वह बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यानी कि बल रेखाओं का पावर यानी कि किसी पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है ध्रुवों पर। तो जिन बिंदु पर पदार्थ को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा क्षमता होती है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उन्हें पोल कहा जाता है। और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं। और दोनों ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दोनों पोल पर बराबर स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इनका सामर्थ्य बराबर होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सामर्थ्य बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे, नेक्स्ट है चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? किसी चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो हमने कल्पना की है, जो वास्तव में होती नहीं है, मानना है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो वह नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं, और दोनों पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष या फिर मैग्नेटिक एक्सिस। तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। मैग्नेट के टॉपिक से ये हमारी पहली क्लास थी, इसके बाद भी आपको लगातार मैग्नेट के टॉपिक से क्लासेज मिलती रहेगी, तो आप उन वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इजीली समझाए जाएंगे।